आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। काफ़ी सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है यहाँ पे अब हमारे पास अगर सीट्स अलॉट नहीं होती हैं तो हमारे पास रास्ता ऑलमोस्ट बंद है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर होता है, स्पेशल स्ट्रे राउंड अगर होता है, एक दो सीट बचने वाली हैं, तो ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास बचे नहीं हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ जिनके दिल में एक चीज़ ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक चॉइस फिलिंग मैं ऐसी कर दूं कि अगर कॉलेज अलॉट होना हुआ तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और मुझे मेरी रैंक पे, मेरे मेरिट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है, मैं उसे ले लेता हूं। तो मैं सबसे पहले तो ये डिस्कस कर रहा हूं कि आपको चॉइस फिलिंग करना कैसे है। फिर अगर आपको चॉइस फिलिंग चाहिए कि सर आप इतनी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप तो ये बताइए चॉइस फिलिंग करना कैसे, आप तो मेरे को एक लिस्ट दे दीजिए, तो मैं आपको वो लिस्ट भी दे देता हूँ, तो उस लिस्ट को यूज़ करो और समझो। चलो सबसे पहले तो देखिए, आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अब एमसीसी में आप उन्हीं कॉलेजेस की चॉइस फिल कर पाओगे जिसमें एक सीट वेकेंट है। अगर एक भी सीट वेकेंट है तो उस कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग होगी। तो एम्स दिल्ली नहीं आएगा आपकी चॉइस फिलिंग में, क्यों? क्योंकि उसकी सारी सीट्स फेल हो चुकी हैं, तो आपको वो कॉलेजेस नहीं देखेंगे। तो आप प्लीज़ ये मत समझें कि हमने वो कॉलेज चूज़ कर लिया। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब MBBS की बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है कि कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ है और पेशेंट फ्लो कैसा है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज, मैंने जब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो यही आता है कि सर ये तो बहुत ही नया कॉलेज है, मान लीजिए जो अभी 2024 में नए कॉलेजेस खुले हैं, क्या वो अच्छे हैं? नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन ये नए कॉलेज हैं एजुकेशन वाइज भी और हॉस्पिटल वाइज। अब हॉस्पिटल का तो बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा अलग से। पेशेंट फ्लो की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, जब नया नया हॉस्पिटल होता है तो लोगों को पता ही नहीं होता है, और जिस तरीके से आजकल स्कैम चल रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि ये सही है गलत है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ब्रांड वैल्यू जो होती है वो पुराने हॉस्पिटल्स की ही होती है, जैसे मान लीजिए जो 1960 में खुला हुआ है, 1980 में खुला हुआ है, ऐसा चैलेंज आता है। तो आप देखें उस कॉलेज का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब है, क्योंकि देखो हर कोई चाहेगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चूज करूं, हर कोई चाहेगा कि मेरे को एक बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिले और इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे मिले ही ना। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखो, दूसरी चीज पेशेंट फ्लो। अब देखो, अब पेशेंट फ्लो तो देखो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है कि किस कॉलेज का क्या पेशेंट फ्लो है, कितना पेशेंट फ्लो है। और टेक्निकली तो मैं बताऊं, पेशेंट फ्लो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई करने जा रहे हो, वहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने नहीं जा रहे हो। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं अच्छे केसेस देखूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स से इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे लाइफ लॉन्ग यही करना है। तो पेशेंट फ्लो देखने का तरीका ये है कि आप उस शहर, उस स्टेट का सबसे पहले तो जो कैपिटल देख रहे हैं, या फिर फोर मेजर सिटी, फोर मेजर सिटी आप अगर देखना चाहो तो वो आपको मिल जाएगा। पहला प्रेफरेंस आपका होना चाहिए कैपिटल में लोकेशन, दूसरा आपका होना चाहिए फोर मेजर सिटी में। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, मैं जब छोटा था तो मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता, तो हमारे यहाँ यही सुनने में आता था कि उनको इस शहर में रेफ़र कर दिया, उनको इस शहर में रेफ़र कर दिया, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, उन्होंने उनको वहाँ रेफ़र कर दिया। तो हमारे शहर में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि उस पेशेंट का मान लीजिए हार्ट सर्जरी होना है या ब्रेन सर्जरी होना है, लंग सर्जरी होना है, और मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो उनको रेफ़र कर देते थे बड़े शहरों में। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी। तो मान लीजिए आपने कोई टीयर थ्री का कॉलेज चूज़ किया है और वो कैपिटल में है ही नहीं, तो मेजरली जो पेशेंट्स होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, वो भी यही बोलेंगे कि हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, यहाँ से क्यों करा रहे हैं, कैपिटल में तो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनसे हम करा लेंगे, उस हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हम उनसे करा लेंगे। तो एक जनरल थिंकिंग रहती है। तो अगर आपको चूज़ करना है तो आप ये कर सकते हो कि पहले कैपिटल चूज़ करो, कैपिटल वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर चार या पाँच जो मेजर सिटीज़ हैं आपके स्टेट में या उस स्टेट में, उसको चूज़ कर लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या रैंक इतना ज़्यादा मैटर करेगी? एक स्टूडेंट्स को ये भी रहता है कि सर हम एम्स ले लें। अब जैसे मैं आपकी बात करूं, बात बताऊं, एम्स मधुराई जो है इसमें सीट्स खाली हैं। अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं जब पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, मैंने कहा है कि आपकी चॉइस फिलिंग में एम्स मधुराई फिल करना है क्या, तो उनका ये कहना है कि सर हमें एम्स मधुराई फिल नहीं करना।
तो हो सकता है एम्स मदुरई आपको इस बार लास्ट ईयर लगभग 18,000 की रैंक में मिला था, जो लास्ट सीट क्लोज हुई थी, इस साल हो सकता है ये 24,000 भी चला जाए, हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि लगभग 24,000 की रैंक पे भी क्लोज हो जाए एम्स मदुरई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कैंपस अच्छा नहीं है, कॉलेज अच्छा नहीं है, ये लोगों की धारणा है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एम्स एम्स ही होता है। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको कुछ कट ऑफ देखना है, कुछ और श्योरिटी देखना है, तो फिर आप साउथ साइड के कॉलेजेस देख सकते हो, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हो। तो ये एक कंक्लूजन है कि कैसे आपको लिस्ट बनाना है। लेकिन अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर हमें ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से मिलेगा, कॉलेज कितना पुराना है, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी। तो आप एक काम करो, आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारी वेबसाइट पे आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स में मैं आपको लिंक भी दिलवा दूंगा। यहाँ पे आप आते हैं, एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर हमने बनाया हुआ है, ओके, ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग ऑर्डर, फीस वाइज और रैंक वाइज। अब ये रैंक वाइज जब आप जहाँ पे आओगे क्लिक करोगे, तो आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, किस ऑर्डर में आपको उन कॉलेजेस को फिल करना चाहिए। पहले नंबर पे एम्स दिल्ली, हालांकि एम्स दिल्ली फिल हो चुका है, एम एम सी की भी बात करूँ मैं ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूँ, जिपर पुडुचेरी, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं कॉलेज। तो इसको लेके आप नीचे तक जाओगे तो आपको वो सारी लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ एस्टेब्लिशमेंट भी मिल जाएगा किस स्टेट को बिलोंग करता है, और फी स्ट्रक्चर का भी एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि इसका एग्जैक्टली फी स्ट्रक्चर क्या है। तो इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। तो ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी सारे पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस कर दे। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक ओपन किया है पर्सनल लिंक, जहाँ से आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका एक्शंस होने चाहिए, क्या एक्शंस प्लान हो चाहिए होना चाहिए, चाहे वो 2024 हो, चाहे 2025 हो, या इवन 2026 हो, कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहां पे आप 1-to-1 सेशन डायरेक्टली मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।